साथियों नमस्कार, कैसे आप लोग। अभी मैं हूँ फिलहाल गांधी मैदान और रात्रि के 10 बज चुके हैं और अभी बिस्कुमान भवन के करीब हूँ। यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू भी है जो अभी पूरे बिहार में सबसे ऊंची स्टैचू है गांधी जी का। और यहाँ पे गांधी जी बहुत सारे रूप में दर्शाए गए हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत कैसे किए थे, कैसे लोगों को चंपारण सत्याग्रह में उन्हें सफलता मिली थी और पूरे भारतवर्ष में जो 1917 का जो सत्याग्रह था पूरा कामयाब हुआ, सफल हुआ और गांधी जी का पूरे भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह को ही बोला जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास का ज्ञान रखते हैं लेकिन हम खेद व्यक्त करेंगे कि तो अभी रात्रि के करीब 10 बज चुके हैं और फिलहाल मैं हूँ गांधी मैदान में। कई सारे लोग, कई सारे नेतागण, कई सारे भारतीय और भारतवर्ष के लोग आज भी रात्रि 10 बज ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा आभास ही नहीं होता है कि सच में 10 बज रहे। और आप देख सकते हैं यह बिस्कुमान भवन के करीब है हम लोग और गार्ड साहब जी है जो अपना ड्यूटी निभा रहे। तो इस तरीके से है हमारी देश की स्थिति। कई बार बहुत असमंजस की स्थिति होती है और लोगों को समझने के लिए कि हमारी सच्चाई क्या है, आखिर लोग किस तरीके से जी रहे भारत में, तो इन सारे चीजों को फोकस करना है, समझना है। तो आपको बहुत अच्छा उदाहरण आपको एम के गांधी मैदान आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे कई सारे भारत जोड़ो परियोजनाएं से जुड़े हुए नेतागण हैं जो धर्म आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बट गए हैं, भरसक उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको अभी दिख रहा होगा ये गांधी मैदान है रात्रि के 10:30 और ऐसा होता है। अभी बिल्कुल बिस्कुमान भवन के करीब हूँ तो ये है हमारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारी सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारा देश। बिहार का यह गांधी मैदान है जिसको पहले हम पटना लॉन के नाम से जानते थे। और आपको यहाँ पहले मैं एक चीज़ पढ़ के बताती हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। इस पैनल में गांधी जी चंपारण की जनता को संबोधित करते दिखाए गए हैं। हिंसात्मक तरीके से बिना खून खराबे के मिले साहबों और जमींदार खेत मालिकों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ उनकी अपनी कमजोरियों, अशिक्षा, अंधविश्वासों से छुटकारा पाने और स्वच्छ एवं साफ सुथरी जिंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि यह जो स्टैचू है एक इतिहास बता रहा है हमारा और यह बिहार के इतिहास है। आपको ज्ञात होगा कि 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो पूरे भारतवर्ष में चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी के जीवन का सबसे सफलतम सत्याग्रह माना गया और है इसकी सच्चाई आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है जो बिहार का सबसे ऊंची स्टैचू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा ये इतिहास जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से। सारे लोग आपको अभी दिख रहा होगा, अभी रात के करीब 8 बज रहे होंगे और यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों को और लोग यह जानने की कोशिश करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश में और हमारा इतिहास ने हमें क्या सिखाया, हमने क्या उससे सीखा, लोगों ने हमें क्या बताया, किस तरीके से हम मूव आउट होते हैं, अपने इतिहासों को समझने के लिए रूबरू हो ही नहीं रहे हैं। हमारा जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे अपकमिंग टाइम के जो भी लोग हैं कैसे एक सुदृढ़ रास्तों पे, एक अच्छी जगहों पे अपने आप को समझ पाएंगे, अपने राज्य को समझ पाएंगे, अपने समाज को समझ पाएंगे,
अपने देश को समझ पाएंगे, अपने राष्ट्र को समझ पाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं, सारी चीज़ों पे विचार करेंगे और आपको मैं एक कोशिश होगी हमारी छोटी सी कि आप भी देखो, आप भले ही देश के किसी भी कोने से हमें देख रहे हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको ज़रूर इस बात को सोच कर, इस बात को देख कर, इस बात को सुन के आश्चर्य होगा कि बिहार की भूमि एक ऐसी तैसी भूमि नहीं रही है। यहाँ पे बहुत इतिहास जुड़ा हुआ रहा है। भले ही आज के दौर में बिहार को लोग कहते हैं कि शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि यहाँ का इतिहास तो पलट के देख लीजिए भाई, इतना भी हम बुरे नहीं थे, हमारा इतिहास इतना भी बुरा नहीं था, हमारे पूर्वज इतने बुरे नहीं थे, लोगों ने इसे बना दिया। तो ये स्टैचू के करीब है, हम लोग यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये भारतवर्ष के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो भारत जोड़ो योजनाओं से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा आपको दिख भी रहा होगा इस पैनल में, अंग्रेजों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट, भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए दमन और अत्याचार के विरोध में भारतीयों का हिंसक और अहिंसक प्रतिकार दर्शाया गया है। अभी यहाँ से आपको लेकिन हम आप सभी को यह दिखाने का भरसक प्रयास करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो अगस्त क्रांति 1942, मतलब इस तरीके से कुछ मेंशन किया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभी गरीब रात के 8 बज चुके हैं और लोग अपनी भूमि को, अपने देश को समझने पे तुले हैं। बहुत सारे लोग ने अपनी छवि को भरसक खराब किया है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे आपको कि हमारी जो भूमि है, जो हमारा इतिहास रहा है और जो हमारा भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है, पॉलिटिकली है, सब एक तरीके से बहुत ही चुस्त एंड दुरुस्त है। सब लोग किसको पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और यह है महात्मा गांधी जी का स्टैचू जो आप देख सकते हैं, उनके करीब दो लोगों को दर्शाया गया है, वो साथ में दो लोगों को लेकर के दर्शा रहे हैं और एक जुटता का परिचय ले रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं हूँ फिलहाल गांधी मैदान में और आप देख सकते हैं इस टेंपल के करीब, अगर आप पटनावासी हैं तो इस बात इस चीज को जरूर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अभी मैं फिलहाल गांधी जी के स्टैचू के करीब हूँ, उनके टेम्पल के करीब हूँ और यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। रात्रि के 9 बज चुके हैं, बावजूद भारत जोड़ो योजनाओं से सारे लोग जुड़े हुए हैं और पूरे भारत को एक श्रुव में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा कल, जो हमने एक सपना देखा था भारतवर्ष का, एक अच्छे भारतवर्ष का, वो जरूर फुलफिल होगा, आज नहीं तो कल। इसमें थोड़ी सी देर जरूर लगेगी, लेकिन कोई इस तरीके का नहीं है।